दामन के पर हवा चाहिए, उनके दामन के पर हवा चाहिए, उनके दामन के صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماتر مدرا وقت زیادہ ہو گیا اور کم وقت میں बहुत बेहतरीन बात होती है इंशाल्लाह। याद की मैं भी अली जनाब मोहम्मद लकमान साहब ने जो सजाया है शादी खानाबादी की मैं भी और अल्लाह का करम है कि इनकी वालदा मुहतरमा भी और वालिद मोहतरम गुजर गए लेकिन उनकी दुआ जरूर है। और सबसे बड़ी दौलत तो यह है रहमत वाली दुआ इनके घर में बैठे, माँ की दुआ बेटों को भी मिल रहा है, माँ की दुआ बेटियों को भी मिल रहा है, माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला घर के अंदर रहमत नूर की बारिश बरसाया। इसलिए मेरे मातरम अच्छी अच्छी बातें करके उलमा हमारे गुजर गए और आखिरी में आया इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक तआला हमें हक बात बोलने का तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को हक बात सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम आप शादियां करते हैं, पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और अपने गुलामों को पैगाम दिया कि शादी किस तरीके से होनी चाहिए। कि ये सवाल जिस हम नमाज पढ़ते अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़कर हमें पैगाम दिया कि नमाज हमें पढ़ना कैसा है और किस तरीके से अदा करना। अल्लाह के नबी ने कुरान अदा किया, कुरान को पढ़ा और अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के हमें पैगाम दिया कि कुरान पढ़ना कैसे और अमल करना कैसे। लेकिन आज हमारा भी जाज, आज मुसलमानों का भी जाज, आज मोमिनों का भी जाज, कुरान पढ़ना अपने तरीके से, नमाज पढ़ना अपने तरीके से, शादी करना अपने तरीके से, मिलादुन नबी करना अपने तरीके से। लेकिन ये तरीका अपना नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा का तरीका है और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें जो भी बताया है सब इबादत है और उस इबादत को इबादत के तरीके से अदा की जाए तो उस इबादत में हरकत नहीं बल्कि बरकत है और रहमत नूर की बारिश मेरे दोस्त। लेकिन आज हमारा मिजाज
शरीयत पे नहीं बल्कि तबीयत पे। मेरे तो मेरा मजहब तमाम मजहबों से आला है, मेरा मजहब तबीयत का पैगाम नहीं देता बल्कि शरीयत का पैगाम देता। मेरे दोस्त जब शरीयत के मुताबिक काम को अंजाम देता है ना, कभी वो धोखा नहीं खाता। तबीयत के मुताबिक काम करने वाला इंसान धोखा खाता है, और धोखा में भी ना पता जो शरीयत के मुताबिक जो इंसान दुनिया में काम करता है दुनिया में भी कामयाब है और मरने के बाद कब्र में भी कामयाब, क्योंकि नबी के तरीके को अपनाया। फारूक आजम भी जब तक ईमान ना लाए फारूक थे, और जब ईमान लाए तो फारूक के कदम हो गए। जब फारूक आजम हुए जब मतलब इस्लाम का परचम लड़ाया लड़ाया ना, हम भी आप लड़ाते, उन्होंने मतलब इस्लाम का डंका बजाया, आज हम दुनिया का डंका बजाते। अब दुनिया का डंका बचा बचा के नमाज करते हैं, और फारूक आजम ने तो ऐसा डंका बजाया कि ताकयामत तक उनका कोई जवाब ही नहीं है। तभी तो शेर ने कहा पढ़ो कल मोहम्मद का मोहम्मद नाम ले लेकर, पढ़ो कल मोहम्मद का मोहम्मद नाम ले लेकर, पढ़ो कल मोहम्मद का मोहम्मद नाम ले लेकर, करो इसे नाम को कायम मोहम्मद नाम ले लेकर, करो इसे नाम को कायम मोहम्मद नाम ले लेकर, तुम्हें आए मोमिनों लाजिम है वो रात की उम्मत में, तुम्हें मोमिनों लाजिम है वो रात की उम्मत में, बजाओ दीन का दम का मोहम्मद नाम ले लेकर, बजाओ दीन का दम का मोहम्मद नाम ले लेकर, उमर फारूक ने कैसा मिटाया कुफर जुल्मत को जगाया, दीन अहमद का मोहम्मद नाम ले लेकर, पढ़ो कल मोहम्मद का मोहम्मद नाम ले लेकर। मेरे मतलब ये शादी खादा आबादी की मंजिल, शादी के माने खुशी, जहां से बारात आएगी वहां भी खुशी है और लड़की वाले की भी खुशी है, यहां से जाने की खुशी और वहां से आने की खुशी, यहां से ले जाने की खुशी है, दोनों में खुशी, लेकिन दोनों को खुशी में फर्क है कि नहीं। मेरे दोस्तों कुर्बान दो, ये खुशी मियां बीबी की कब सलामत रहेगी, जब दोनों की जिंदगी मजहब इस्लाम के तरीके पे चलेगी। एक इंसान है जो अपने आप को काला कलोता है और अल्लाह ने उसको बीबी बड़ा खूबसूरत अदा किया। और मेरे दोस्तों काला कलोटा इंसान मजदूरी करता था, और जब शाम में आए ना तो बीबी का चेहरा देखे और बीबी से कहे अरे मेरी बीबी हम दोनों जन्नती कर दीजिए से बात रोजाना
उस इंसान का मामूल यही रहा, रोजाना शाम मिलाता काम करके और अपने बीवी को चेहरा को देखता, कहता है मेरी बीवी हम दोनों जन्नत हैं। कही न सुबह तो बीबी कहते मेरे शौहर ना आप नमाज पढ़ते हैं ना हम नमाज पढ़ते हैं, ये जन्नती कैसा, ये जन्नती कैसा, इसका मामला क्या है। मेरे शौहर आप जब भी आते हैं मेरा चेहरा देखकर आप कहते हैं मेरी बीबी तू भी जन्नती हो हमें जन्नती है, तो इसके जन्नती का निशानी क्या है, ये जन्नत में जाने का तरीका क्या है, जन्नत का हकदार कैसे है। आप हमेशा रोजाना आपने ये मामूल बना ली है मेरे शौहर आप हमेशा कहते हैं जन्नती है, तो मेरे दोस्त कहा मेरी बीबी तुम्हें बात समझ में न आई, कही न सुबह मेरी बीबी तुम्हें बात समझ में ना आएगी, मैं काला हूं लेकिन अल्लाह ने तुमको बड़ा खूबसूरत बनाया। मैं जब रोजाना काम करके आता हूं तो मैं चेहरा चेहरा को जो दिखता हूं ना अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं, कही सिवा।